नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आज मैं आप सबसे एक खुशी की खबर साझा करने जा रहा हूँ। आज गांधी जी की जयंती है और साथ में यह न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का स्थापना दिवस भी है। 7 साल पहले हमने यह सफर शुरू किया था, तब से आज तक आपका लगातार प्यार और सहयोग मिला है। मैं और न्यूज लॉन्ड्री की पूरी टीम इस सहयोग और समर्थन के लिए आपका सहृदय धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हेलो हेलो, 1 2 3 4 माइक चेक रोलिंग। हर रोज नफरत से भरा प्राइम टाइम देखना आसान नहीं, उन्हें छांट कर स्क्रिप्ट लिखना भी आसान नहीं, और ये सब समेट कर आप तक हफ्ते दर हफ्ते ताजा शो लाना भी आसान नहीं। पर हम ये सब करते आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से। टिप्पणी के 200 से ऊपर एपिसोड्स आज सिर्फ आपकी वजह से पूरे हो पाए हैं। हम आपके समर्थन से आज 7वीं सालगिरह मना रहे हैं और इस शानदार सफर के लिए आपको शुक्रिया बोलना तो बनता है। तो शुक्रिया हमें लगातार हौसला देने के लिए, शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का साथ देने के लिए, शुक्रिया हमारे शो टिप्पणी को समर्थन देने के लिए, शुक्रिया स्वतंत्र मीडिया के स्तंभ को और मजबूत करने के लिए। न्यूज लॉन्ड्री एक प्रयास है जनता के समर्थन से जनहित की पत्रकारिता करने का। सरकारों और कॉरपोरेशन के विज्ञापन पर निर्भर पत्रकारिता संस्थानों ने आपके सवालों और मुद्दों से समझौता कर लिया है। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, सब्सक्रिप्शन। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हाथ और हौसला बढ़ाने का काम करेगा और आप भी गर्व से कह पाएंगे, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब बात दरबार की। लंबे अरसे के बाद दरबार फिर से लगा था। खरीफ की फसल खेतों में लहलहा रही थी, बारिश अच्छी हुई थी, इसलिए दरबार में भी संतुष्टि का भाव था। हस्तिनापुर वालों को हवा खराब होने का बेसब्री से इंतजार था, साथ ही उसे इंतजार था हर साल हवा खराब होने के बाद मचने वाली किचाहिन का। यह किचाहिन अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच हर साल मचती है। इस सब के बीच में मौजूद थे धृतराष्ट्र और संजय, जिनकी बातचीत से दरबार काफी वक्त से महरूम था। दशहरा सिर पर था, इसलिए हस्तिनापुर का माहौल रामायणमय हो रखा था। धृतराष्ट्र सिंहासन पर टिके थे, संजय भी मैं दरबारी गद्दी नशी थे। धृतराष्ट्र और संजय के बीच तांका झांकी चल रही थी। धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि संजय स्वयं पहल करें, जबकि संजय सोच रहे थे मैं क्यों अपनी तरफ से फूफा बनूं, जब महाराज आदेश देंगे तब बोलूंगा। दोनों को पशुपेश से उबारा एक दरबारी ने। महोदय, सुना है डंकापति फिरंगियों के देश अमरीका के दौरे पर थे, कुछ तो बताए वहां का सूरते हाल। लगे हाथ धृतराष्ट्र ने भी अपनी फरमाइश जोड़ दी, सुना है छोटे नवाब जेल से बाहर आ गए। संजय ने कहा, कहानी योगीराज के जम्बूद्वीप से भी बहुत सारी हैं, कौन सी पहले सुनाऊं? धृतराष्ट्र ने कहा, पहले छोटे नवाब की सुनाओ। संजय ने कहा, जेल से छूटते ही छोटे नवाब वनवास पर चले गए। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। वनवास वाली बात धृतराष्ट्र को समझ नहीं आई। तब संजय ने समझाया, छोटे नवाब के सभी संगी साथियों में भरत से लेकर लक्ष्मण और हनुमान बनने की होड़ लग गई है। इंद्रप्रस्थ का दरबार रामलीला का मंच बन गया है। छोटे नवाब ने अपनी भरोसेमंद सहयोगिनी को राजपाट सौंप दिया है। दिल्ली की 10वीं मुख्यमंत्री बन गई हैं आतिशी। इस पद पर पहुंचने वाली वो सिर्फ 3री महिला है। शनिवार शाम को राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आतिशी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजपाट संभालते ही छोटे नवाब की सहयोगिनी ने आतिशी पारी खेलना शुरू कर दिया। अपने आराध्य की याद में उन्होंने सिंहासन पर खड़ाऊ रख कर राजकाज को आगे बढ़ाया। संजय बोले जा रहे थे। धृतराष्ट्र समेत सभी दरबारी कलयुग में घटित हो रहे इस अविश्वसनीय रंगमंच को आंखें फाड़कर सुन रहे थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी भी वो प्रेम, वो समर्पण, वो संस्कार बचे हुए हैं। लाखों साल पहले भरत ने जिस भाव से खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला था, उसी पवित्र भाव का प्रदर्शन छोटे नवाब की सहयोगिनी ने भी किया है। उनके हिस्से में भरत की भूमिका आई है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। भरत का रोल ऑलरेडी बुक हो जाने के बाद बारी आई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की। वनवास में राम का साथ देने के लिए लक्ष्मण कौन बनेगा?
छोटे नवाब के शागिर्द सिसोदिया से बेहतर भला कौन हो सकता था। सो उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका पर दावा ठोंक दिया। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। रामलीला का मंचन पूरे शबाब पर था। एक एक कर पात्र अपनी भूमिकाओं को ईमानदारी से निभा रहे थे। इस मौके पर बड़ी बेसब्री से तलाश शुरू हुई प्रभु राम के एक और करीबी रहे संकट मोचक हनुमान की। उनके बिना रामलीला कैसे पूरी होती, इस समस्या का समाधान किया छोटे नवाब के एक और खास शागिर्द गहलोत जी कैलाश पर्वत वाले। उन्होंने स्वयं को हनुमान की भूमिका के लिए भेंट कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक हनुमान रहे और उन्होंने सारे काम किए, उसी प्रकार से मैं भी केजरीवाल का हनुमान बनकर जितने भी काम पेंडिंग है उन सभी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह सारे महत्वपूर्ण किरदारों की तलाश पूरी हुई। इंद्रप्रस्थ के मंच पर रामलीला का मंचन जोरदार तरीके से हो रहा है। मन में कोई शंका हो तो दूर कर लीजिए। काफी देर से चुप बैठे धृतराष्ट्र ने इस मौके पर मुंह खोला और बोला, तुमने रावण, अहिरावण, मेघनाद के किरदारों का जिक्र नहीं किया। संजय बोले, महाराज, उनको तो इंद्रप्रस्थ की जनता स्वयं समय आने पर चुन लेगी, मैं क्या कहूं। संजय की शातिराना अदा पर धृतराष्ट्र मोह गए। मोहाई अवस्था में उन्हें डंकापति की याद आई। डंकापति का जिक्र सुनकर संजय की आंखों में चमक आ गई। बड़े दिनों बाद डंकापति फिर से अमेरिका के दौरे पर गए महाराज। वहां उन्होंने फिर से वही जलवा बिखेर दिया। आर्यावर्त को उन्होंने अवसरों की धरती घोषित कर दिया, वही अवसर जिन्हें वो आपदा के मौके पर अवसर में तब्दील करते आ रहे हैं। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। धृतराष्ट्र और तल्लीन होकर संजय की बात सुनने लगे। अमेरिका में डंकापति ने संदेश दिया कि आर्यावर्त आइए, यह लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। उनकी यह बात सच भी है महाराज। डंकापति ने अपने शोरूम में अपॉर्चुनिटी का एक बहुत भारी भरकम मैनिक्विन लगा रखा है। इनको 10 साल के भीतर जमीन से उठाकर दुनिया के टॉप रईसों में पहुंचाने के बाद शायद ही किसी को शक होगा कि आर्यावर्त लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप भी आएं और इनके जैसा बन जाएं, बशर्ते आप पाला सही चुनें। सही पाला है डंकापति का पाला। अगर आप उनके पाले में खड़े हो गए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पाले में नहीं हैं तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी के लाले भी पड़ सकते हैं। इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है डंकापति ने। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए चंदा देने वाली करीब 30 कंपनियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी का सामना करना पड़ा है। एक पैटर्न ये है कि पहले छापा, तुरंत बाद चंदा। दूसरा पैटर्न ये है कि छापे के बाद चंदे की राशि में बढ़ोतरी। धृतराष्ट्र को लगा कि संजय डंकापति के प्रति निर्मम हो रहे हैं, सो बोल पड़े, यह सब छोड़ो, यह तो डंकापति की अदा है। गुजरात के जमाने से वो यही सब तो करते आ रहे हैं, तुम तो अमेरिका की बताओ, वहां क्या क्या हुआ। संजय बोले, हुआ तो बहुत कुछ महाराज, लेकिन जो खास हुआ वह मैं बताना चाहता हूँ। डंकापति फिरंगियों के देश में सेकुलरता की मूरत बन गए। विविधता और भाईचारा पर उन्होंने भर भर लोटा मक्खन पोत दिया। हम जहां भी जाते हैं सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डाइवर्सिटी को समझना, डाइवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। ध्यान रहे महाराज, ये सब बातें उन्होंने अमेरिका में रहने वालों के लिए कही। अपने घर में तो उन्हें एक भाषा, एक खाना, एक कपड़ा, एक चुनाव, एक धर्म, एक नेता और एक ही टाइप की प्रजा चाहिए। अपने देश में तो वो लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। धृतराष्ट्र को लगा कि संजय फिर से डिरेल हो रहा है, सो उन्होंने टोक दिया।
अरे यार वो विदेश में बोल रहे थे, वहां की ऑडियंस दूसरी है, जैसी ऑडियंस वैसा परफॉर्मेंस। ये जो अमेरिका वाली ऑडियंस है इनमें आधे तो पाखंडी हैं, उन्हें अपनी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए अमेरिका का सेकुलरिज्म चाहिए और भारत में उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ऐसे पाखंडी दो मुहे लोगों के लिए डंकापति एकदम सही विकल्प हैं। तुम ये बताओ कि देश के बारे में क्या बोला डंकापति ने? संजय ने बुझे मन से कहा, देश की उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र थी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इलाकों में उन्होंने अपने विकास की रोशनी फैला दी है जहां अभी तक रोशनी मयस्सर नहीं थी। साथियों, जो एरिया पहले निग्लेक्टेड थे वो आज देश की प्रायोरिटी है। आज भारत जितना कनेक्टेड है उतना पहले कभी नहीं रहा। धृतराष्ट्र बोले, यह तो बड़ी अच्छी बात कही डंकापति ने। संजय ने हामी भरी, बिल्कुल महाराज, ऐसे ऐसे हिस्सों में रोशनी फैली हुई है कि साल साल भर उजियारा हुआ पड़ा है, अंधेरा हो ही नहीं रहा है। मणिपुर में एक बार फिर से ताजा हिंसा भड़क गई है। संदिग्ध उग्रवादियों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है और एक घायल बताया जा रहा है। मणिपुर में एक बार फिर पहले जैसे हालात हो गए हैं। लगातार स्थिति अनकंट्रोल हो रही है। लगातार हो रही झड़पों की वजह से 3 जिलों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। पिछले 7 दिनों की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं हिंसा में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र का मन बैठ गया। उन्होंने कहा, कुछ और सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज जिस समाज का सामूहिक विवेक नष्ट हो जाता है उसे सामूहिक प्रायश्चित करना पड़ता है। धृतराष्ट्र के कान खड़े हो गए। अचानक से संजय को फलसफाना ट्रैक पर जाते देख उनकी छठी इंद्री जाग गई। उनका अनुभव ये कहता था कि संजय जब जब फलसफाना होता है कोई न कोई बुरी खबर सुनाता है। सो सजगता से उन्होंने कहा, इसकी व्याख्या करो। संजय ने कहा, जम्बूद्वीप के हालात बिगड़ते जा रहे हैं महाराज। बीते हफ्ते योगीराज ने ताबड़तोड़ कई निर्देश जारी किए। इसके तहत सूबे के भोजनालयों में नौकर से लेकर मालिक तक सबके नाम और पते की तख्ती लटकाने का फरमान जारी हुआ है। लगे हाथ यह भी कि होटल और रेस्तरां में CCTV कैमरे लगाए जाएं। योगीराज ने इसके लिए पूरे सूबे में सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश भी दिया है। हाल के दिनों में आई खबरों और शिकायतों के बाद CM योगी ने खानपान की वस्तुओं में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी खाने पीने की दुकानों, ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर अब मालिक और मैनेजर का नाम लिखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। योगीराज में जम्बूद्वीप इसी तरह की राष्ट्रीय समस्याओं से जूझ रहा है। 20 करोड़ की आबादी में कहीं हापुड़ वाला जूस बिक रहा है, कहीं थूक वाली रोटी, कहीं पेशाब वाला जूस बिक रहा है। योगीराज बैठे हैं इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, थूक लगा करके धृतराष्ट्र ने माथा पकड़ लिया। इतने बड़े सूबे का लंबरदार, उसे और कोई काम नहीं है, कहीं चुनाव तो नहीं है? संजय ने कहा, है ना महाराज, बहुत सारे उपचुनाव हैं। योगीराज ने कुछ चेले पाल रखे हैं, डुगडुगी पीटने वाले चेले। हवा में एक मुद्दा खड़ा किया जाता है, फिर डुगडुगी पीटने वाले ये हुड़कचुल्लू चेले योगीराज के प्रवक्ता बन जाते हैं। जैसे उनका एक नफरती चिंटू है चमन चोपड़ा, उसकी बात सुनिए। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, ये तो स्वच्छता का मुद्दा है, ये तो हाइजीन का मुद्दा है। ये सब ना हो इसके लिए कोई आदेश आए, कोई नियम आए कि हाइजीन रहेगा, कंडीशन सारी चीजें ध्यान मॉनिटर की जाएंगी, CCTV लगा होगा, सर के ऊपर CCTV लगा होगा, तो थोड़ी ना थूक पाएगा ये लोग। संजय तैश में बोल रहे थे, चूंकि ये चमन है इसलिए इससे आप कोई तार्किक बात नहीं कर सकते, इससे तो बस इसी तरह की घामड़ बेवकूफाना बात की उम्मीद कर सकते हैं। अगर मसला स्वच्छता और साफ सफाई का है तो नाम की तख्ती लटकाने से यह समस्या कैसे दूर हो जाएगी? है ना जादू वाली बात, नाम की तख्ती लटकाई और सब कुछ साफ सुथरा हो गया। इन दोनों बातों में कोई अंतर संबंध आपको समझ आता है? 4 साल से इसका यही टेप बज रहा है। खाने में थूकना जिहाद या जहालत, इस नाम से अमन चोपड़ा ने 16 नवंबर 2021 को न्यूज 18 इंडिया पर पूरे 1 घंटे तक कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम भारतीय मुसलमान कैसे कथित तौर पर खाने में थूक रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर था। कार्यक्रम की शुरुआत में चोपड़ा ने एक लंबा एकलाप किया।
जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि चर्चा का विषय धर्म का मुद्दा नहीं बल्कि स्वच्छता का मुद्दा है। समस्या हाइजीन नहीं है, समस्या है इस चमन की धर्मांध कट्टरपंथी और चापलूसी पसंद फितरत। जिस जहालत से निकलकर यह आया है, इसकी एंकरिंग में वह मवाद की तरह रिश्ता रहता है। इसी जमात का एक और नफरती चिंटू है, उसे भी सुनिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा कम और एक्शन ज्यादा लेने में विश्वास रखते हैं, और हाल के दिनों में यूपी में कुछ जगहों पर रोटी में थूकने, जूस में यूरिन मिलाने, खाने में मिलावट जैसी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी ने अशुद्ध के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। धृतराष्ट्र अभी भी दम साधे सुन रहे थे। उनके धैर्य को देखकर संजय खुश होते हुए बोले, अगर आप खबरनवीस या फिर आम रियाया के नजरिए से सोचें तो इस तरह के लीडर चिंता की बात होने चाहिए। किसी जनतांत्रिक जमहूरी व्यवस्था में ऐसे नेता का क्या काम जो संवाद में यकीन नहीं रखता हो बल्कि सीधे एक तरफा एक्शन की बात करता हो। ऐसा नेता डंकापति के इस सपने के लिए कतई ठीक नहीं है। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। धृतराष्ट्र नफरती चिंटुओं वाली बात सुन सुन कर बोर हो गए। सभा भी लंबी खिंच गई थी, अंधेरा घिर आया था, लिहाजा उन्होंने संजय को बात खत्म करने का इशारा किया और सिंहासन से उठ गए। सभा बर्खास्त हुई, वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। कुछ मामलों में देश का लॉ एंड ऑर्डर घास चरने चला गया है, यह पूरी तरह से बनाना रिपब्लिक में तब्दील हो गया है। न्यूज 18 इंडिया और इसके एक एंकर अमन चोपड़ा के मामले में यह बात बारंबार साबित होती है। न्यूज 18 इंडिया वालों ने इसे देश को ऊपर उठाने का ठेका दे रखा है। शो का नाम है देश नहीं झुकने देंगे। जाहिरन हर दिन इसके शो में देश ऊपर उठ रहा है, उठावनी के शो में हर दिन देश का सिर थोड़ा और झुक जाता है। यह जाहिल आदमी हर दिन पूरे मन से बिना किसी तथ्य के मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप जहर उगलता रहता है। हाल ही में बेंगलुरु का महालक्ष्मी मर्डर केस सामने आया। शो के दौरान चोपड़े ने बार बार इसे श्रद्धा वॉल्कर की हत्या से जोड़ते हुए इसे हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का रंग दिया। इसने बेशर्मी से अशरफ का नाम भी लिया। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आफताब, श्रद्धा, इस बार माँ लक्ष्मी और परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। अशरफ, अशरफ। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात साबित हुई कि महालक्ष्मी की हत्या उसके पूर्व पार्टनर ने की थी, जिसका नाम मुक्ति रंजन रॉय था। उसने खुद भी आत्महत्या कर ली है। आरोपी का एक सुसाइड नोट और डायरी सामने आया है। उसके मुताबिक मृतका महालक्ष्मी उसे बार बार टॉर्चर करती थी। उसके टॉर्चर से तंग आकर उसने महालक्ष्मी की निर्ममता से हत्या कर दी। उसके शरीर के कई टुकड़े किए, उसे फ्रिज में छिपा दिया और खुद फरार हो गया। इन तमाम जानकारियों के लिए आपको कोई शर्लक होम्स या फिर जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है, बस साधारण पत्रकार बनना है। पत्रकारिता की दो चार बुनियादी बातों का पालन करना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, FIR क्या कहती है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, आदि इत्यादि। लेकिन इसके लिए पत्रकार का पानीदार और इज्जतदार होना जरूरी है। अमन चोपड़ा और इनके जैसे तमाम हुड़कचुल्लू इन्हीं बुनियादी सीखों से महरूम हैं। और साथ में यह भरोसा भी होना चाहिए कि देश में एक सिस्टम है, एक लॉ एंड ऑर्डर है। जब इसके लापता होने का घमंड किसी के अंदर आ जाए, तब अमन चोपड़ा जैसे हुड़कचुल्लू हीरो बन जाते हैं। याद कीजिए ना, कभी थूक वाली तंदूरी, कभी थूक वाली नान, बिरयानी में थूक, जगह जगह केसेस भी हुए, सब्जियों में भी थूक, ब्रेड में थूक, ये सारे वीडियोस आ चुके हैं, सब ऑथेंटिक वीडियोस हैं। जैसे जैसे भारत में गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने वाली साजिश के प्लान के नए नए चैप्टर खुल रहे हैं ना, वैसे वैसे इन लोगों की पीड़ा बढ़ती जा रही है। ये कोई हिंदू मुसलमान कोई कम्युनल मामला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से फैसला लिया गया कि कल को कोई स्थिति ना खराब हो। एंकरिंग के चोले में छिपा यह आदमी एक सीरियल ऑफेंडर है। यह लगातार खुद के लिए और अपने चैनल के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता रहा है। कई बार कार्रवाई और गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बावजूद यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अमन चोपड़ा पर अपने शो में मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के आरोप में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने एक दो नहीं बल्कि 5 बार आर्थिक जुर्माना लगा रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और नफरत भरे शो के कारण चोपड़े के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने 3-3 FIR भी दर्ज कर रखी हैं।
जब पुलिस इसकी तलाश में पिछले साल पहुंची थी तब ये फरार हो गया था। राजस्थान पुलिस की एक टीम रविवार 8 मई को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत ऑर्डन सोसाइटी पहुंचती है कारण मशहूर टीवी पत्रकार अमन चोपड़ा की तलाश। सोसाइटी के लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि पिछले महीने की 28 तारीख से ही टीवी पत्रकार के फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर हमारे और आपके मन में कुछ बड़े और जरूरी सवाल पैदा होते हैं। एक सीरियल ऑफेंडर को कोई चैनल क्यों बार बार मौका दे रहा है? क्यों इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? चैनल और ब्रांड के लिए बार बार शर्मिंदगी का बायस बनने के बाद भी इसके शीर्ष संपादक उसे बार बार प्राइम टाइम पर मौका क्यों देते हैं? यहां एक और अहम सवाल पैदा होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश भाई अंबानी के चैनल पर एक एंकर बार बार जहर बुझी बातें करता है पर मालिकान और एडिटरान को फर्क नहीं पड़ता, यानी यह सब किसी बड़ी स्कीम के तहत हो रहा है। चैनल के मालिकों ने अमन चोपड़ा को नफरत फैलाने, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की छूट दे रखी है। बिजनेस का यही दस्तूर है, मुनाफा लाओ चाहे किसी का घर फूंक के लाओ। रिलायंस, मुकेश भाई और न्यूज 18 इंडिया वालों को मुनाफा मुबारक हो। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है जिसे एक स्थानीय यूट्यूब चैनल भिलाई टाइम्स ने आप तक पहुंचाया है। यह ग्राउंड रिपोर्ट कोरिया जिले के ग्रामीण इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल की है जहाँ बच्चे पेयजल के लिए सालों से तरस रहे हैं। स्थिति ये है कि महिला शिक्षिका सर पर पानी लेकर स्कूल आती है तब जाकर जरूरी काम निपटाए जाते हैं। कुछ दिन पहले जो है यहाँ से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें इस स्कूल के बच्चों ने एक अनोखा दृश्य दिखाया था। उसमें उन्होंने जो है पानी से निजात पाने के लिए जो है थाली दिखाकर जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों को जगाने का प्रयास कर रहे थे ताकि उन्हें जो है पेयजल प्राप्त हो सके। घर बहुत दूर है, घर से पानी लाते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में बर्तन धोते हैं, बच्चे लोग का हाथ धोते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पानी नहीं है, खुदाया तो है यहाँ बोर लेकिन 10 साल हो गया उसमें लगा नहीं है। तो आप लोगों ने मांग नहीं किया, जो क्षेत्रीय विधायक हैं रेणुका सिंह जी से उन्होंने उनसे कहीं बात नहीं की कि हमारे स्कूल में जो है पानी की समस्या है तो उससे हमको निजात दिला दीजिए? और भी जिला प्रशासन के जो अधिकारी उनसे बात बात नहीं हुई क्या? हर बार हुआ है सर, हर बार कागज भी गया है लेकिन कोई सुनाई नहीं देता है। इस गाँव में बोलते हैं दूर भय। विश्वगुरु के इसी स्मार्ट स्कूल से निकले बच्चे 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।